अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक, खुशपाश और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने लगी हूँ आसमा डॉल प्रोडक्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर वायरल प्रोडक्ट है। मैंने इन लोगों की डील मंगवाई है, जिसमें मुझे ये एक ज़ाफ़रानी जेल मिला है, और सबसे पहले जो मैंने आपको शो करवाया है विटामिन ई फेस वॉश है जी, उसके बाद सूथिंग जेल है और शाइनर है, और इसके साथ इन लोगों ने मुझे एक पिंक पाउडर भेजा है, और एक उन्होंने मुझे गोल्ड पाउडर भेजा है, और एक साथ गोल्ड के लिए मास्क है और 20 वॉल्यूम है। पैकिंग और मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि इन्होंने जब पैक करके मुझे भेजी हैं चीज़ें तो कोई सेफ्टी मेजर इन्होंने यूज़ नहीं किया, जिसमें ये था कि जो भी चीज़ मैं खो रही थी वो बहुत ज़्यादा मैस हो रही थी और गिर रही थी। खैर बहरहाल, पैकिंग को इग्नोर करें, देखते हैं जी रिज़ल्ट। मेरे पास जो मॉडल है, मेरी मॉडल की स्किन बिल्कुल ऐसी है कि हाइपर पिगमेंटेशन है मॉडल के फेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड फेस था, फ्रेकल्स थी बहुत ज़्यादा और स्किन बहुत ज़्यादा डल थी। तो मैंने सबसे पहले इनका ऑरेंज विटामिन ई जो है वो फेस वॉश यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। इससे मैंने अच्छे से फेस को क्लीन किया है, और लिटरली फेस को क्लीन करने के बाद ही इतना अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट लगा जस्ट फेस वॉश का। खैर बहरहाल, आगे मैंने सारा प्रोसेस इसका कम्प्लीट किया है, तो मुझे लगा कि रिज़ल्ट वाकई ही प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है, जितना वो दिखाती हैं जिस हिसाब से। ये है कि पिगमेंटेशन और जो फ्रैकल्स वगैरह हैं वो एकदम से रिमूव नहीं होती हैं, लेकिन यह कि बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, और आपके जो कलर होता है स्किन का उसके साथ बिल्कुल मैच करती हैं, और जितना मतलब आपके फेस पे रुआ होता है वो भी उस हिसाब से, जैसे एक ब्लीच करने के बाद येलो एक टोन देना शुरू हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होता। येलो ऑरेंज कोई टोन नहीं आ रही होती फेस के ऊपर, वो बिल्कुल आपके कलर के साथ मैच करते हैं जो आपके फेस के ऊपर बाल होते हैं। खैर, यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से जो है वो फेस को क्लींस किया है, अच्छे से फेस को मैंने क्लींस किया है, और बहुत अच्छे से फेस को मैंने क्लींस किया है, और 5 to 10 मिनट्स मैंने इनकी क्लींसिंग की है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नीड थी क्लींसिंग की। बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्किन रफ़ हो रही थी इनकी, बहुत डैमेज स्किन थी, हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा था स्किन के ऊपर। सो मैंने अच्छे से क्लींस करने के बाद जो है वो फेस को वाइप्स किया है, और साफ़ करने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे इनको फिर ज़ाफ़रानी जेल यूज़ किया है। ये है जी ज़ाफ़रानी जेल। ज़ाफ़रानी जेल की भी मैंने ऑलमोस्ट इतना टाइम लगा के मैंने इनको क्लिनजिंग की है। अच्छा, ज़ाफ़रानी जेल की ये एक इनकी मुझे क्वालिटी वाइज अच्छा लगा है कि जेल फॉर्म में था, बट कोई भी बबल्स वगैरह नहीं बन रहे थे, और स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथिंग लुक दे रहा था, स्मूथ कर रहा था, और बहुत सॉफ्ट था प्रोडक्ट भी, बहुत सॉफ्ट थी, और जब मतलब यूज़ कर रही थी मैं तब भी मुझे बहुत सॉफ्टनेस फील हो रही थी कि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा था, कोई बबल्स वगैरह नहीं बन रहे थे, बट सॉफ्ट था बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, सॉफ्ट थी और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था ज़ाफ़रानी जेल का। ये जी इनका ज़ाफ़रानी जेल, यहाँ पर मैंने इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह मैंने इनके फेस को क्लींस किया, और 2 times मैंने लेके इनको किया, कि क्योंकि प्रोडक्ट स्किन को नीड थी, कि मतलब स्किन के ऊपर काफ़ी टाइम से कुछ हुआ नहीं, तो स्किन को नीड थी कि कोई ऐसा काम हो, मतलब स्किन क्लीन हो जाए। तो मैंने ज़ाफ़रानी जेल को 2 times लेके इनके फेस को अच्छी तरह से जो है वो क्लींस किया, और मुझे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा लगा, बग़ैर पॉलिशिंग के रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। जब मैंने इनका फेस जो है ना वो वाइप्स किया, ये देखिए मैंने जब फेस साफ़ किया तो इनका फेस कितना ग्लो कर रहा था, और फेस पर कितनी ज़्यादा शाइन आ गई थी। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ब्लीच। अच्छा, मैंने पिंक पाउडर लिया है इनका, वाइटनिंग पिंक पाउडर। इनके इस पिंक पाउडर के साथ मुझे गोल्ड पाउडर भी उनका मिला था, बट मैंने गोल्ड पाउडर की जो है ना वो नहीं किया रिव्यू, कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको रिव्यू दूंगी। फिर मैंने इसमें डाला है जी सूथिंग लोशन, और साथ ही मैंने शाइनर। ये देखिए, जब भी मैं कितना मैस हो रहा था, नीचे गिर रहा था, क्योंकि जो मतलब मैंने जैसे ही मैं पाउडर खुलती थी तो वो नीचे गिर जाता था। मतलब पैकिंग मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी। 20 वॉल्यूम मैंने इसमें ऐड किया है। हर पैकिंग को इग्नोर करें और रिज़ल्ट को देखें जी, रिज़ल्ट कैसा है। और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, अच्छी जो है वो मिक्सिंग बहुत अच्छी थी इसकी, बहुत ही स्मूथ सी क्रीम बन गई, बहुत स्मूथ सी और क्रीमी सी क्रीम जो है ना वो बन गई थी ब्लीच, जो मैंने ये इसका मतलब पॉलिशिंग बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सी बन गई थी। कुछ इस तरह का इंग्रेडिएंट बीच में शो नहीं हो रहा था, ना ही जो है वो क्लाइंट इरीटेट हो रहा था। ये मेरी क्लाइंट जो है वो ब्रश से इरीटेट हो रही हैं, मॉडल जो वो कहती हैं कि ब्रश जो है ना वो फेस के ऊपर लग रहा है, हालांकि ये बहुत सॉफ्ट ब्रश था। खैर मैंने उनसे कहा जी बर्दाश्त करें, फ्री में हो रहा है डेमो,
तो ये जो है वो अच्छी तरह से मैंने इनको फेस के ऊपर लगाया, और मैंने तकरीबन 15 मिनट्स जो है ना उसको छोड़ा है लगाने के बाद। 15 मिनट्स के बाद का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था। 15 मिनट्स मैंने इसको लगा के छोड़ा है। अच्छा, इसकी सूथिंग की और शाइनर की ये क्वालिटी थी कि सूथिंग बहुत ज़्यादा सूथिंग इफेक्ट दे रहा था, कोई इचिंग नहीं हुई, देख लें कोई इचिंग नहीं हुई, कोई पैच नहीं पड़ा स्किन के ऊपर। 15 मिनट्स मैंने लगा के छोड़ा। क्लाइंट बार बार ये मॉडल मुझे कह रही थी कि मैं इरिटेट, मेरी स्किन हो जाती है जी ब्लीचिंग वगैरह से। मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई किसी किस्म की जो है ना साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये देख लें कोई साइड इफेक्ट नहीं था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है जी, ये जैसे जैसे मैं साफ़ कर रही हूँ रिज़ल्ट आप लोग देख रहे होंगे। मैंने 15 मिनट्स के बाद इनको यहाँ से ब्लीच को रिमूव कर दिया था, जो इनका मैंने पाउडर यूज़ किया था ये मैंने देखे रिमूव कर दिया, कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और इसके बाद मैंने इनको यूज़ किया था जी क्ले मास्क, गोल्ड क्ले मास्क मैंने इसको यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद भी रिज़ल्ट कुछ ऐसे ही थे। मास्क की भी मास्क का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। 15 मिनट्स मैंने मास्क को भी छोड़ा था, और नो डाउट प्रोडक्ट रिज़ल्ट के सॉरी प्रोडक्ट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आसमोडॉल प्रोडक्ट जो वायरल प्रोडक्ट है, अच्छी ब्रांड है, ज़रूर परचेज़ करें। मुझे जो है वो 3500 में ये प्रोडक्ट मिली है, पूरा सेट इनकम डील थी। इसमें एक सीरम भी था, सीरम का रिव्यू मैं नहीं दे सकी, सीरम शायद मैं भूल गई थी। सीरम भी है, और वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गोल्ड फेशियल के साथ मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।